सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठा चुके बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में तेज बहादुर ने अधिकारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नए वीडियो में तेज बहादुर ने कहा कि आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने जो बीएसएफ का खाना दिखाया था वह बिल्कुल सत्य था, लेकिन इसके बावजूद किसी प्रकार की कोई जाँच नहीं हुई और मुझे ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैंने सिर्फ यही किया था कि प्रधानमंत्री खुद चाहते थे कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, मैंने भी यही उम्मीद करके अपने डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार दिखाया था, क्या भ्रष्टाचार दिखाने का मुझे यही न्याय मिला। तो आपको भी दिखाते हैं बीएसएफ जवान का ये वीडियो। देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद, मैं तेज बहादुर बीएसएफ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा दिनांक 10/1 से मोबाइल जमा हो गया था, उसके बाद से मुझे जानकारी मिली है कि शायद मेरे मोबाइल अकाउंट से कुछ छेड़खानी किया गया जिसमें मेरे पाकिस्तान से कुछ दोस्त बनाए गए, इसलिए मैं आप झूठी अफवाहों पे कोई विश्वास ना करें जब तक मेरा खुद का अपना कोई वीडियो आपके सामने ना हो, और मैं आपके माध्यम से पूरे 125 करोड़ वासियों के देश के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो भी ये सबका खाना दिखाया था वह बिल्कुल सत्य था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई जांच ना हुई और मेरे को ही मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है बार बार, क्यों इस तरह का किस लिए। मैंने सिर्फ यही किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री खुद चाहते थे कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, मैंने भी यही उम्मीद करके अपने डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार दिखाया था, क्या भ्रष्टाचार दिखाने का मुझे यही न्याय मिला। आप सभी से अनुरोध है कि पूरा 125 करोड़ का देश आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछे कि एक जवान ने खाने का भ्रष्टाचार दिखाया, क्या उसका न्याय उसे यही दिया जाता है कि उसे ही टॉर्चर किया जा रहा है बार बार, मेरा VRS रोक दिया गया। इस सब आपसे अनुरोध है, कृपा करके आप। जय हिंद। आपको बता दें कि तेज बहादुर ने जनवरी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करके जवानों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की शिकायत करते हुए कुछ अधिकारियों पर भोजन सामग्री बेचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना का ब्यौरा मांगा था। तेज बहादुर के खिलाफ अनुशासनहीनता सहित कई आरोपों की जाँच चल रही है। देखते रहिए TV Live।